जी न्यूज इंडिया आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड से, बद्रीनाथ धाम की यात्रा को सुचारू करने की मांग को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ धाम कूच किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पांडवकेश्वर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रथम बार रुड़की आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी हरिद्वार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने रुड़की के नेहरू स्टेडियम का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खबर राजस्थान के तोड़ा भीम से है। मेहंदीपुर बालाजी राज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तीसरी लहर का लोगों को नहीं है जरा भी डर। कोरोना गाइडलाइन की पालना की खुले में धज्जे उड़ रहे हैं, नहीं लग रहे हैं लोगों के मुंह पर मास्क। खबर राजस्थान के पाली से है, जहां जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारियों की हुई मीटिंग। मीटिंग में फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी, भूतपूर्व विधायक आहूजा ने की शिरकत। खबर उत्तर प्रदेश से है, पंजाब नेशनल बैंक अग्रणी बैंक मुजफ्फरनगर द्वारा CSR गतिविधियों के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य संरचना हेतु जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर को जनहित के लिए जीवन संरक्षण उपकरण उपलब्ध कराए गए। इस दौरान अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुजफ्फरनगर नई मंडी भोपाल रोड पर द्वारिकापुरी मोड के टिकट श्री श्याम वंदना महोत्सव विश्वताय श्री राम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वालों के यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें जयपुर से आए हुए मुकेश बांगड़ा और चित्तौड़गढ़ से आए हुए साक्षी अग्रवाल ने अपने भजनों से श्याम प्रेमियों को खूब रिझाया। मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा के छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन ADM प्रशासन को योगी राज में व्याप्त भ्रष्टाचार की खुली पोल। जनपद बागपत के नगर छपरौली में ADO पंचायत छपरौली भूपेंद्र सिंह खुलेआम 3000 रुपए रिश्वत मांगते हुए मुजफ्फरनगर ककरौली थाना अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा व उनकी टीम मुठभेड़ में बदमाशों को दे रही शिकस्त। ककरौली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोकश बदमाश को घायल कर जिंदा बछड़ा व अवैध हथियार भी किए बरामद। बांदा प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों से रुपए की मांग की गई, नए देने पर अप्राप्त घोषित किया गया।